तो भाई अभी मैं आया हूँ एक कॉलोनी के अंदर, यमुना नगर के जगाधरी में। कैसी कॉलोनी है, पीछे गाड़ी आ गई भाई, पीछे गाड़ी देख, शाम सुंदरपुरी में है। और देख सकते हैं कि काफी संख्या में ये जो महिलाएं हैं यहाँ पे एकत्रित हो रही हैं और काफी ज्यादा समस्या है। अभी अभी बड़ी खबर आई थी छछरौली से, जहां पर एक बंदर ने जो एक व्यक्ति को धक्का दे दिया, वो तीसरी मंजिल से गिर गया। गाड़ी जान दो पहले ये वाली, तो आपको मैं बता दूं काफी बड़ी समस्या है लोगों की। अक्सर लोग जो है बंदरों को खाना डालते हैं, हालांकि उनकी पूजा भी की जाती है, लेकिन यहाँ के जो कॉलोनी वासी है इनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा परेशान है, सैकड़ों लोग जो हैं यहाँ पर परेशान है। शाम सुंदरपुरी जो एक कॉलोनी है, यहाँ पे बंदरों का इतना आतंक है ना भाई साहब, किसी को टांग पे खा गया, किसी का सिर खा गया, किसी को धक्का दे दिया, किसी की टांग टूट गई। तो लोग हमारे साथ हैं, मैम क्या कहेंगे, क्या दिक्कत आ रही है बंदरों? कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। क्या हुआ, किस चीज से परेशान हुआ आप? हेलो, नमस्कार। हमारे यहाँ पर शाम सुंदरपुरी कॉलोनी में जगाधरी में एक साल से कोई बंदर छोड़ के गया है, और हमने सीएम विंडो और सीएम डीसी में भी दी है रिपोर्ट, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हाँ जी, क्या दिक्कत क्या रही, किसको? सर सबको बंदर काट रहे हैं, ना किसी बच्चे को छोड़ते हैं, ना कोई घर में का सामान छोड़ते हैं, सभी को प्रॉब्लम है, काफी ज्यादा दिक्कत है। हाँ जी, सबको लगी है, आपको भी काटा गया? नहीं, हमें नहीं, बेटे को और हस्बैंड को काट गया। कब की बात है ये? 4 दिन हो गए हस्बैंड को। हमला करते हैं बंदर? एकदम से आते हैं, एकदम से खाने पड़ते हैं वो ना। मेरे को तो बंदर खा गए थे, ये सिर में काटा। तो देख सकते हैं ये आंटी है, इनके सिर में जो है बंदर ने, तो अभी तक छाती में दर्द हो रही है उनको, तो गिर गए एकदम, बंदर गए और उनके पीछे भागे हैं और उनको बहुत चोट आई हुई है, वो तो पड़े रहते हैं, अभी बिस्तर पे ही पड़ गए हैं बिल्कुल। आजी, आजी, बोलो जी, आपको क्या हुआ? लो भाई, सारी कॉलोनी ही बीमार पड़ी है, बंदरों का इतना आतंक है, छोड़ा छोसी मां जो, तो बंदरों का इतना ज्यादा आतंक है पूरी कॉलोनी की, खास तौर पे महिलाएं जो है इस वक्त परेशान है। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बंदर में इतनी ताकत होती है कि धक्का मार देते हैं। देखिए पैर सूजे पड़े आंटी के, इतनी ज्यादा ये क्या गिर गए थे क्या कहीं से? बंदरों ने धक्का दिया सीढ़ियों में से, अच्छा बेड़े में आके गिरी मैं। तो नगर निगम कहते हैं जी बंदर पकड़ने वाले बंदे भी रखे हैं उनके लिए। एक साल से हम मेयर पे भी गए थे, एमसी पे भी गए हैं, डीसी पे भी गए हैं, कमिश्नर पे भी गए हैं, लेकिन यहाँ कोई सलूशन नहीं निकल रहा है। और कहते हैं जी बंदर को तो पूजा जाता है, उसको प्रसाद खिलाते हैं, यही मशीन हमने शुरू शुरू में तो हमने भी खिलाया, लेकिन जब देखा कि इनका आतंक इतना बढ़ गया है कि अब तो ये किसी लायक नहीं रहा, बुड़के भी मार देते हैं, बुड़के मार परेशान किया हुआ है। पहले पहले तो हमें भी था कि चलो बंदर को मारना नहीं चाहिए, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, इन्होंने बहुत परेशान कर दिया, आतंक मचा रखा है। और घर में घुस जाते हैं, खिड़कियों में से चले जाते हैं, किसी के शीशे तोड़ दिए इन्होंने, बहुत परेशान कर रखा है हमारा। क्या कह रहे जी? जाली का दरवाजा भी खोल के अंदर आ जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं, अंदर बेडरूम में जा दिया, 3 बार फ्रिज गिरा दिया हमारा। पानी की टंकियां होती हैं उनमें बढ़ जाते हैं, सभी की छतों पे आप देखोगे तो लगा। तो ये तो थे भाई साहब महिला शक्ति थी, तमाम परेशान है। तो मैं सोच रहा था कि आदमी क्यों नहीं है। अंकल जी आगे, आपको क्या दिक्कत है? हमारे घर में हमारी बहू एक दिन अंदर दरवाजा खोल के गई, वो अंदर गई, जो ही पीछे बंदर चला गया, अच्छा। पीछे बंदर चला गया, हाँ। और फ्रिज में से केले उठा के, बाय द वे हम ऊपर ले उस पे फ्लोर पे रहते हैं, मैं नीचे आया, उसने चीख मारी कि डैडी ये, मैंने सोचा पता नहीं गिर गई है, तो देखा बंदर अंदर रियली, अच्छा बिल्कुल। मैं भी एक बार तो मैं भी डरा, मैं आपको बताऊँ, फिर मैंने डंडा लेके आया मैं, फिर उसके बाद वो अंदर जब भी बैठती है ना हमारे बच्चे बहू कुंडी लगा के बैठते हैं। इससे भाई साहब आपको भी दिक्कत हो रही है, क्या कहना चाहोगे? हम भी परेशान हैं, कभी कपड़े फाड़ रहे, गेहूं नहीं सुखा नहीं देते, कपड़े सुखा नहीं सकते बाहर ना जी, कपड़े फाड़ दें नए नए कपड़े। भाजी तुम्हें भी दिक्कत हो रही है ऐसे महल्ले दे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ऐसे महल्ले दे, और हूं तो कटने नू लग पेने बंदर ना, हूं तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया, साडा बाहर बैठना भी मुश्किल हो गया, अपने बेड़े च ना अपने घर च ही कैद हो गए जी। तो कहते हैं जी इसको आपने कंप्लेंट दी है, कोई नहीं आया इलाज के लिए, तो इनका इलाज क्या हो सकता है बंदरों का इतना? बस ये तो पकड़ने के भी होगा जी, ऐसे कोई प्रबंध करें, प्रबंध करे गवर्नमेंट, लेके जाए ना करने के, पानी की टंकियां हैं तीनों, उनके ढक्कन तोड़ के उनके उसमें कहते जी डुबकियां मार के नहा रहे हैं, मार रहे हैं हां जी, और फिर उसमें नहा रहे हैं, फिर हमने तीनों टंकियों में नए ढक्कन लगवाए हैं, तसले लगवाए हैं, कांटे वाले तो लगवाए हुए हैं तसले सबके, बड़ा इतना दुखी हो गया एक साल, इसको आप गमले तोड़ रहे हैं, गमले जो रखे हुए हैं सारे गमले तोड़ रहे हैं, यहाँ पे नहीं बैठ सकते, गली में जैसे बैठे हुए अचानक आते हैं और अचानक ऐसे टांग पकड़ते हैं, बुखार है क्या?
एंड में जो भी आपका प्रशासन यमुनानगर का तमाम प्रशासन इस वीडियो को देख रहा है, सीएम साहब तक क्या कुछ अपील करेंगे कि आपको निजात दिलाई जाए? हाँ जी, हाँ जी, छुटकारा दिलाया जाए। हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी कंप्लेन करी थी, वहाँ हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी कंप्लेन करी थी, वहाँ से भी कोई सलूशन नहीं निकला। उन्होंने कहा नगर निगम वालों को कहो, हम वहाँ पे भी गए थे तब भी कोई सलूशन नहीं निकला है। इवन दो एमसी की मिसी उनको मदर को उनको भी काटने की कोशिश की, जब भी पाली एमसी की मेरे साथ बातचीत हुई है, एमसी वो गिर गई है। एमसी हमारे साथ ही रहते हैं। एमसी तो एमसी नहीं कुछ कर रहा, संजय राणा है तो वो एप्लीकेशन भी दे सकता है अपने ऊपर था सरकार का। वो कहते हैं मैंने कोशिश कर ली है, वो कहते हैं मैंने कोशिश कर ली है। एमसी ने बोला हमने एप्लीकेशन डाल ली है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने तो जाल लगवा रखा है, दिखाता हूँ। अच्छा, बंदरों के लिए ये, अरे साथ ही है, देख सकते हैं ये बच्चा, एक मिनट बच्चे के भी देख ले। आपको क्या हुआ था? मैं स्कूल से आ रहा था भैया, तो उधर से आते हुए ना एक बंदर ने मेरी पैंट पे झपट्टा मारा बहुत तेज। हाँ जी, 14 दिसंबर को मैंने सीएम विंडो में और डीसी में रिपोर्ट दी थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं हुई सर। दिखाओ, देख सकते हैं कि पूरा मोहल्ला छतों पे चढ़ चढ़ के लोग देख रहे हैं, पूरा मोहल्ला जो है परेशान है। और देख सकते हैं कि जाल कहते हैं कि पूरी कॉलोनी कितने दूर एमसी का घर, तो देख सकते ये एमसी का घर भी दिखा रहे हैं। एमसी नहीं करता कुछ भी इस मामले, आगे आ भाई आगे आगे आगे। अच्छा, एमसी नहीं करता कुछ भी इस मामले में, एमसी नहीं कुछ की है लेकिन सुनाई नहीं हुई। देखो भाई साहब, पूरा मोहल्ला परेशान है, पीछे पूरी कॉलोनी। ये किस लिए जाल बनाया इन्होंने? ये एमसी, ये मेरे बेटा इसलिए जाल बनाया है बंदरों के, इन्होंने सब्जियां लगाई हुई है। वो भी छोड़ दे, छोड़ते नहीं, देख लो आप, आपके सामने है। देख सकते हैं एमसी है, तो देख सकते हैं कि काफी ज्यादा परेशान है। हाँ जी, हमारे एमसी बहुत अच्छे हैं और हमारे एमसी अच्छे हैं, क्या काम तो करो। एमसी की भी सुनवाई नहीं हुई कहीं पर। अच्छा, एमसी की भी नहीं सुनवाई, कौन सी पार्टी की कोशिश की? हमें पार्टी से क्या मतलब? बीजेपी का है भाई साहब, बंदरों का इतना आतंक है ना, मोहल्ले पड़ोसी सब परेशान है। तो मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को शेयर करें, और यमुनानगर के जगाधरी में ये श्याम सुंदर पूरी कॉलोनी है, तमाम कॉलोनी की महिलाएं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परेशान है, किसी को धक्का मार दिया, बच्चे को काट लिया, स्कूल जाने से परेशान है, कपड़े बाहर टांगो तो कपड़े उठा के ले जाते हैं, टंकियों में डुबकियां लगा लगा के नहा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परेशान है। जहाँ बैठे ने गर्दन फट ली, जहाँ बैठे ने गर्दन फट ली, जाओ अंदर नहीं। और की मांगता सीगा पता नहीं, पेन का खाने का मांग रहा हूँ। तो पहले पहले तो खाना डाल देते हैं, लेकिन सीएम विंडो पे भी एप्लीकेशन गई हुई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारी दुकान है, दुकान में से पूरी की पूरी लड़ियां ले जाते हैं, पूरा सामान सब पौधे इसीलिए कट गए। चीकू का पेड़ था, सारा दिन इसी पे लगे रहते थे, सब कटिंग करवा दी सब। तो ये मोहल्ला लगता है पसंद आ गया उनको भैया, टेस्टी टेस्टी खा। लीची का पेड़ था, फला हुआ था, सारा चनों काट दिया, सब उजाड़ दिया, काट दिया। कुछ खाना टेस्टी बनाते हो तभी नहीं, आपका मोहल्ला छोड़ के जा रहे। तो जैसे है कि ये तो थी मजाक की बातें हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी कॉलोनी जो है परेशान है। हमारे हिमगिरी स्कूल विद्या मंदिर मेरे घर के पास है, वहाँ पर स्कूल टाइम में बंदर अंदर जाते हैं, बच्चों की बुक पढ़ नहीं पाते सर। कौन सा स्कूल है? हिमगिरी विद्या मंदिर। तो देख सकते हैं कि स्कूल में भी जो है बंदर घुस जाते हैं। तो मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील है इन तमाम महिलाओं की सुनवाई, क्योंकि घर में तो ये महिलाएं रहते हैं, आदमी पुरुष तो दिन में काम पे चले जाते हैं, महिलाएं घर में अकेली होती हैं। इतना तो गुंडे चोर लुटेरों का आतंक नहीं है जितना बंदरों का आतंक इस वक्त जगाधरी के अंदर हो सका है। छोटे बच्चे हैं, कुंडियां लगा लगा के अपने घर में रहना पड़ रहा है। हाँ जी, उनको काटा हुआ बंदर, उनको काटा हुआ, मैं कह रहा हूँ पूरा मोहल्ला ही काट रखा बंदरों ने, इतना आतंक। राम राम जी, कह रहे जी आप कोई बंदर काट गया। तो देख सकते हैं कि अंकल जी को भी काटा, कोई बंदा ऐसा नहीं है, सबको काट रहे हैं यहाँ। तो वो कहते हैं ना, ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, वही बात है, बंदरों ने ऐसा कोई बंदा नहीं छोड़ा होगा जिसको अपनी स्टैंप पेपर पे मोहर ना लगा के दियो। तो ये आप सभी से अपील है इस वीडियो को शेयर करें, इन लोगों को जो है बंदरों के आतंक से निजात दिलाए। जगाधरी से कैमरा पर्सन वसुंधरा के साथ सरनजीत सिंह।